राजस्थान के रावला मंडी में पट्टे की मांग को लेकर छठे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी रावला मंडी तहसील परिसर के पास अमरा अनशन पर बैठे हैं। प्रदर्शन के 5 दिन बीतने के बाद भी प्रशासन का एक भी जिम्मेदार अधिकारी धरना स्थल नहीं पहुंचा, तो प्रदर्शनकारी छठे दिन भी धरने पर बैठे रहे। इस दौरान प्रदर्शन को रोकने का प्रयास भी किया गया। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। वहीं पट्टे की जीत पर अड़ी आम जनता धरना स्थल पर डटी हुई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने प्रदर्शन को बाधित करने के लिए बीती रात बिजली बंद कर प्रदर्शन रोकने का असफल प्रयास की, किंतु अब तक प्रदर्शन जारी है। आज आप धरने पे बैठे हो, कौन सा दिन है ये? ये छठा दिन है। छठा दिन है और भूख हड़ताल का? भूख हड़ताल अमरन अनशन है, भूख हड़ताल नहीं, अमरन अनशन दूसरा दिन है। दूसरा दिन है। राज सूत्रों के अनुसार हमें पता चला कि प्रशासन द्वारा कोई बदसुलूकी की गई, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, रात को हमारे साथ में ये की गई, गर्मी का टाइम था, मच्छर यहाँ बहुत ज़्यादा है, हम बुजुर्ग आदमी हैं अनशन पर बैठे जो, तो हमने कोई किसी को कह के लाइट की व्यवस्था कर ली, प्राइवेट किसी एक वकील के नाम मीटर है उससे हमने कनेक्शन लिया, पंखे चलाए और तहसीलदार का फोन आता है चपड़ासी के पास रात को 12:15 बजे, कहता है तेने यहाँ तहसील से कनेक्शन दे रखा है। उसने कहा नहीं, तो उसने कहा पता करो, तो तहसीलदार द्वारा वो जो चपड़ासी था उसने हमारे से पूछा, तो हमने कहा इस वकील साहब से हमने पूछ करके और लिया है, आपकी तहसील से नहीं लिया। तो बाद में तहसीलदार दानाराम ने उस वकील को बहुत प्रेरित किया, भाई तेरा लाइसेंस खारिज कर देंगे, तेरा फट्टा कल का बार फेंक देंगे, नहीं इनका कनेक्शन हटा। तो हमने रिक्वेस्ट की वकील से, भाई हम आपका जो हिस्से का बिल है वो भरेंगे और हमें लाइट रहने दो यार, पंखा चलाने दो। तो उसने कहा मजबूर हूँ मैं, मेरे मजबूरी है, तहसीलदार कल ही आ करके मेरा फट्टा बार फेंक देगा, इसलिए कृपया आप उठा लें। तो उसकी मजबूरी देखते हुए हमने कहा भी हमारे लिए इसको नुकसान क्यों हो, इसलिए हमने लाइट रात 12:01 पे वो कनेक्शन काट लिया। पूरी रात हम बैठे रहे और जैसे अब बैठे ऐसे पूरी रात बैठे, सो नहीं पाए, मच्छर हैं यहाँ, गर्मी ज़्यादा थी, उमस थी, हवा नहीं थी, हम बैठे निकाली है। तो हम ये इस चैनल के द्वारा कहना चाहते हैं तहसीलदार साहब को, भाई तहसीलदार साहब ये प्राइवेट जो मीटर है या कहीं से लाइट लेते हैं तो ये तो आपकी बापूती नहीं है, उस वकील के तो लाइसेंस है, और ये धरना हमारा बिना लाइसेंस है, आप ये हमारे गद्दे फेंको ना अगर इतनी औकात है तो। नहीं सर, और आपको 5 दिन धरना लगाए हो गया आज? हाँ, कोई प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया हमारे, हम जो आंदोलनकारी हैं 5 आदमी, हमारे पास कोई नहीं आया, हमारे जो साथी है इनके पास कोई, हमने सुना है भी तहसीलदार कल आया था, तहसीलदार ने अंदर क्या बात की क्या नहीं की, हमारे पास अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है। आपके आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? हम अमर अनशन पर डटे रहेंगे, मरेंगे तो यहाँ रहेंगे, और मरेंगे तो हमें कोई लेके जाएगा, अगर हम कुछ लेके जाएंगे तो सरकार से हम मांगते हैं, तहसीलदार से कुछ नहीं मांगते हैं, तहसीलदार की क्या औकात है हमें कुछ दे देगा, हम मांगते हैं राजस्थान सरकार से, और सरकार हमें जरूर हमारी पुकार सुनेगी और हमें कुछ देगी, हम यहाँ से लेकर जाएंगे। धन्यवाद।